All right. Ladies and gentlemen, today we have a great astrologer with us from Delhi, Mr. Narnouli ji. Welcome sir to Saptarishis Astrology channel. Dhanyavaad. Sir, aapke baare mein bahut suna hai, we heard a lot about you. You are a master of KP astrology, absolute master of remedies and simple remedies. And is there any other, Astro Vastu and especially Prashna, Vastu Prashna, you know, that part I've heard a lot about you, sir. So before we get onto it, would you like to tell us something more about what has been your background, your profession, your career? Starting में 79 के आसपास मैं astrology के deadly anti था. अच्छा. Deadly anti. लोग astrology सीखते हैं किसी न किसी problem में गए तो ज्योतिषों से दुखी हो जाते हैं तब सीखते हैं. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मेरा education वगैरह कुरुक्षेत्र में हुआ है सब. और background आर्य समाज की रही है. तो इन चीजों के मैं deadly anti था. काफी आर्ग्यूमेंट लोग मेरे से करते थे वहाँ के जो ज्योतिषी लोग, पर मैं उनके जवाब नहीं दे पाता था. 79 जब स्टूडेंट लाइफ था, नौकरी में मैं 79 में आया. तो फिर जब मुझे एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं तो मैं उनसे आर्ग्यू कैसे कर सकता हूँ, प्रॉपर लॉजिक्स मेरे पास नहीं मिल रही थी. तब मैंने सोचा कि मुझे पहले एस्ट्रोलॉजी सीख लेनी चाहिए कहीं से. और उस समय मुझे ये नहीं पता था कि कहीं पढ़ाई भी जाती है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरा इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं था. तब मैंने एक सज्जन थे, उनसे कहा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने की क्लासेस मिलवा दीजिए आप. वो एक मंदिर में मुझे ले गए. मंदिर में उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे आ जाओगे. मैंने कहा आ जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. नहा धो के पूरा मैं तैयार होकर 4 बजे जाता था. पर 4-5 महीने के अंदर मुझे लगने लगा कि ये मुझे ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे. कुंडली बनाना दिखाना ये तो 2-4 दिन के अंदर आ जाता है. फिर मैंने क्या करता था कि मैं जब भी किसी ना किसी काम से शहर से बाहर या नगर से बाहर या अपने आसपास के गांव में जाने का मौका मिलता था तो मैं यही पूछता था लोगों से कि यहाँ कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है. अच्छा. कहीं भी तो वहाँ उससे मैं सीधा ही जा करके अपने तरफ से जो भी ले जाना होता था, फ्रूट्स वगैरह मैं ले गया और उनकी दक्षिणा दी. हाथ जोड़ के कह देता था मुझे इतने दिनों कुछ बताइए आप, इतना मैंने सीख लिया है, ये मुझे आता है, इसके बारे में कुछ बताएं मुझे. तो ऐसे भारत में ज़्यादातर नगरों में, आसपास के गांवों में बहुत जगह मुझे जाने का मौका मिला. और आज का तो ज्योतिषी क्या करता है, थोड़ा सीखने के बाद सिंपली प्रैक्टिस में आ गया. मैं, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि प्रैक्टिस करूं, मैं तो इसको जड़े उखाड़ना चाहता था इसकी. आप फाइट करना चाहते हैं कि हटाऊं इसको दुनिया से, क्योंकि मेरे भाषण देने की क्षमता बहुत तेज अच्छी है. तो फिर मैंने क्या किया कि जहाँ जो मैं सीखता था मैं एक्सपीरियंस भी करता था लोगों के ऊपर. और वो एक्सपीरियंस करते करते जब 13-14 साल हो गए लगातार लोगों से मिलते हुए, और एक्सपीरियंस करते करते मैं भूल गया था कि मेरा मिशन क्या है. और लोग प्रिडिक्शन ठीक होती थी, दुनिया आने लगी, बहुत आती थी मेरे पास, बेहद दुनिया आती थी, काफ़ी आती थी उस टाइम पे मेरे पास में. और लगभग 12-14 साल के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो गलत लेवल लग गया मेरे ऊपर, पर उसको हटाना पॉसिबल नहीं था. फिर देखा कि पूरी साइंस है. जब मैं सीख रहा था तो रात में जैसे कि जाग गया तो अगर कोई कुत्ता भी भौंका है मैं उसे देखने नहीं जाता था, सबसे पहले पंचांग से कुंडली बनाता था. अच्छा. कुंडली बना के देखना कि क्यों भोका है, इसके पीछे रीजन क्या है, फिर उसको जाके चेक करता था क्या करेक्ट है. तो अच्छा. ये मैं पूरा उसको जाकर के चेक किया करता था. तो ऐसे ही धीरे धीरे ये फिर 84 में मेरे पास लोग घर में पढ़ने भी आ गए. मैं प्रिडिक्शन जब भी करता था तो मैं किसी से कुछ नहीं लेता था, हॉरोस्कोप भी मार्केट से खरीद के लाता था, बनाता था. लोग कहते थे कम से कम हॉरोस्कोप तो ले लो बुक के लट के पैसे. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना, क्योंकि ऐसे ही शौक था, हॉबी बन गई थी एक तरह की. तो उसके बाद में फिर मेरे को कहीं से पता चला कि किसी बुक के थ्रू ही पता चला कि केपी कोई चीज़ होती है, केपी. तो उसमें लिखा था कि मैंने डेट बताई, ये बताया, सब कुछ ठीक हो गया. जब मैंने वो बुक खरीदी तो उस बुक में जो वोकैबुलरी थी वो मेरे समझ में ना आए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल वोकैबुलरी थी जो जनरल एस्ट्रोलॉजिकल वोकैबुलरी थी वो केपी की अलग है. जैसे सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, कंस्टेलेशन. अब सब लॉर्ड तो मैंने कहीं ज्योतिष में पढ़ा नहीं,
उनका अपना था कि नक्षत्र का नौवां हिस्सा सब लॉर्ड बनाया, उन्होंने उप नक्षत्र कहा जिसे, तो वो मुझे नहीं मिला तो ना मेरे समझ में आया, उसको बुक को उठा के मैंने रख दिया। साल दो साल के बाद मुझे फिर, मैं कहीं किसी और सिटी में था, जा रहा था ऐसी सड़क पर चल रहा था, अपने काम से गया था, एक पुराने किताबों में एक हिंदी में बुक मिली मुझे। हिंदी में जब बुक मिली उसमें सेम चीज़ लिखी हुई थी। अब मैंने सोचा ये ऐसे एक बुक मेरे पास है, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में, पर इसके अंदर भी इसी तरह की लैंग्वेज है, डेट कैसे निकाल सकता है ये आदमी, जबकि डेट हमारे पास वैदिक में निकलती है। मैं डेट बता देता था पर उसका तरीका अलग है, एकदम से आपको बता देते हैं उसे, मून से गोचर से बता देते हैं आप, उसके दशांतर दशा देखने के बाद मून का गोचर हम लगा देते हैं वहाँ पर। तब फिर मैंने वहाँ पर एक लैंड क्या इसका MTNL का नंबर दिया हुआ था उस पर, और वो भी सालों पुराना था। तब मैंने 197 या 198 से नंबर लिया, पुराना नंबर दे के नया नंबर उनका लिया, वो भंडारा में नंबर मुझे मिला नागपुर के पास, नागपुर के पास। तो मैंने फ़ोन पे उनसे बात की कि ये कौन सा एस्ट्रोलॉजी है जिसमें ऐसा ऐसा कहा गया है कि डेट वेट एक स्पीड में आ रही है, ये स्टार लोड सब लोड वगैरह क्या है इस। तो उसने तब उन्होंने मुझे बताया कि KP है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, आप चेन्नई में KP साहब के बड़े बेटे हैं, वो सिखा देंगे आपको, तो आप वहाँ पे जाके। हाँ, तब बीच में यात्रा तो अलग है, बीच की काफ़ी उन्होंने भी पहले आसानी से तैयारी नहीं की मेरे लिए, फिर कोई सज्जन मिल गए, वो भी मैंने अप्रोच नहीं लगाई, वो भी अनजाने में मिले, वो उनको जानते थे, उन्होंने उन्हें कहा, तो उन्होंने मुझे KP सिखाया, फ़ोन पर सिखाया, पर्सनली सिखाया। अच्छा। और ना 87 से 88 से फिर मैं KP में आ गया। अच्छा। KP में आ गया और तब से अब तक हूँ मैं KP में पढ़ा रहा हूँ। मैंने फिर देखा बीच में फार्मिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाया मैंने अभी, पर मेरा जब भी मैं पढ़ाया है कहीं भी या फार्मिस्ट्री ग्रुप आए हैं तो वहाँ पर मैंने कमाया नहीं, ये उद्देश्य तो था ही नहीं, सिर्फ ये था कि जब ये करेक्ट साइंस है, विज्ञान है, तो अधिक से अधिक मैं लोगों को जागरूक करूँ इसके पीछे। उसके लिए लेना वेना कुछ नहीं था, बिजली का जो खर्चा आता था मेरा, या AC का खर्चा गर्मी में आया, या पेपर की फोटोकॉपी आई, स्टार्ट में बिल दिखा देता था, उन्हें देखो इतने फोटोकॉपी के लगेंगे, ये मेरा आया है इसका बिल, इतना आपस में बांट लें आप पैसा। और ये मुझे क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मुझे रातों ज्योतिष पे बुलवाता रहे कोई, अच्छा लगता था, मेरा फील्ड था वो, बाकी और कोई शौक नहीं मुझे कहीं पर भी रहा, कहीं भी घूमना फिरना फालतू में नहीं ज्योतिष से। तो उसके बाद इस लाइन पर आए और जब से फिर एक दिन लोग मुझे समझते थे, ये है शायद मेरा ख्याल में 98-99 के आसपास की बात है, लोग मुझे कहते थे आप वास्तु पढ़ाएं, क्योंकि मेरा जो मेरे पास आ गया वो नहीं जाने वाला है, 99% नहीं जाने वाला है, और जो उस वाकई में वो अच्छी खुद कहता है बाहर भी कि मैंने बहुत कुछ पाया यहाँ से, और ऐसी बुक्स में भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बुक्स सारी की सारी बता रहा हूँ, सब नकल मार के लिखी हुई है, 99% कोई एक आधी कहीं मिल जाएगी जिसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, अपना वो लैंग्वेज बदल देते हैं, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, बुक का टाइटल बदल देते हैं। आप जो KP कर रहे हैं ये स्लाइटली डिफरेंट एंड एडवांस नहीं, कोई भी कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर, ये हमारा वैदिक का ही भाग है, वैदिक का ही KP, तो कृष्णमूर्ति जिन नाम था कृष्णमूर्ति और पद्धति सिस्टम उनका, इसलिए KP पड़ गया है। प्रिडिक्शन स्टार्टिंग से गलत आती रही हैं, तो उन्होंने इसे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर दी है। तो उन्होंने बताया क्योंकि हमारे वैदिक में भी नक्षत्र लेते हैं, हम लोग प्रिडिक्शन में नक्षत्र को भुला बैठे हैं, वैदिक में है पूरी तरह नक्षत्र, हम लोग नक्षत्र को भुला बैठे हैं, उन्होंने नक्षत्र को इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में कि नक्षत्र देखो। फिर हमारे जो वैदिक वाला आदमी है, एक घर में जो राशि लिखी है वहाँ ग्रह पड़ा है इन जनरल कर देता, पर उन्होंने ये कभी नहीं देखा नक्षत्र मिलाकर के वो ग्रह उस राशि में, तो तीन नक्षत्र, तीन नक्षत्र में से कौन से नक्षत्र में पड़ा हुआ डिग्री देख के बताएंगे उसे, वो कभी नहीं, कोई भी ज्योतिषी नहीं देखता उसको, वो KP ने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद में उस नक्षत्र का 9th पार्ट भी KP साहब ने किया, सब लोड जिसे कहा गया। तो उससे हमारे पास में किसी भी घटना की डेट, घटना का समय, घटना का सारा सरकमस्टांसेस आराम से आ जाता है, KP में डेट करेक्ट आती है, डेट करेक्ट आती है। आपके एक्सपीरियंस में आप जो KP यूज़ कर रहे हैं तो कितना टक्का आपको सक्सेस मिला है KP से?
1000% है। और मेरे केपी और बुक में जो सुब्रमण्यम साहब से सीखा है मैंने, केपी साहब के बड़े बेटे हैं, वह वहाँ से चेन्नई से मैगजीन पब्लिश करते हैं। केपी और बुक साल में एक बार निकलती है। लोग स्टीरियोटाइप आर्टिकल लिखते हैं और मैं बिल्कुल ही एक नया, मोस्टली नया कंसेप्ट देता हूँ उसके अंदर, जिससे एस्ट्रोलॉजर सीखता है। मेरे पास साउथ इंडिया के काफ़ी एस्ट्रोलॉजर प्राय फोन करते हैं, रहते हैं दिल्ली, इंडिया से बाहर के फोन आते हैं लोगों के एस्ट्रोलॉजर्स के, जब वो मार्केट में आती है बुक आती है कि आपने कैसे लिखा हमें तो बताएं आप, जबकि उन्होंने मून से डेट निकालने का तरीका दिया कि मून चंद्रमा किस राशि में है, वो राशि का स्वामी रूलिंग प्लैनेट में है, वो किस नक्षत्र में है। मैंने उससे हटकर और आगे जा करके राशि भी छोड़ी, वहां पे मैंने सीधे चंद्र स्टार देखा, मून चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी वो रूलिंग प्लैनेट में हो और आगे उस नक्षत्र का स्वामी भी रूलिंग प्लैनेट में हो और ये दोनों घटना वाले घर जिस दिन लेंगे उस दिन घटना होती, उसी दिन होगी, 100% होती उस दिन, कोई रोक नहीं सकता। और केपी में जब हम पैदा हुए हैं तो घटना फिक्स हो चुकी है पूरी तरह से, ऊपर वाले ने तय कर दिए, विधाता ने। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास घटना बदलने का कोई राइट नहीं, बदल ही नहीं सकते। वो कह देते हैं ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभावना है, संभावना नहीं होती ज्योतिष में, ज्योतिष करेक्ट साइंस है एकदम से, जो डेट डिसाइडेड है वो उसी डेट को घटना होती है। मृत्यु की डेट भी इसके अंदर करेक्ट निकलती है। वर्ल्ड की किसी भी चीज़ की डेट, चाहे आप प्रश्न से देखें, चाहे आप जन्मपत्री से देखें, चाहे आप रूलिंग प्लेनेट से देखें, जिनकी जन्मपत्री भी नहीं है, जैसे ट्रेन कितने बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी, वहाँ खड़े खड़े बताना है इतने बजे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, हमारा आदमी कौन सी बोगी में होगा, कितना नंबर बोगी में होगा ये बताना है वहाँ पे, फ्लाइट जब कहीं से उड़ती है और जब वो लैंड करती है अगले प्लेट अगले एयरपोर्ट के ऊपर, तब एयरबोर्न होने के बाद में तो ATC बताता है कि फ्लाइट उड़ी इतने बजे आएगी, देर से उड़ी तो देर से आएगी, हम तो हफ्तों पहले बता देंगे कि ये फ्लाइट इस तारीख को इतने बजे पहुंचेगी, वो जबकि एयरबोर्न हुई नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं बनी अभी तो, 4-5-10 दिन पहले हमने बता दिया उसको। तो ज्योतिष एक करेक्ट साइंस है पूरी तरह से। इसी तरह से बहुत साल पहले मुझे लोग कहने लगे, मेरे ये 97-98 के आसपास की बात है, वास्तु पढ़ाओ, जब मैं पामिस्ट्री पढ़ाता हूँ पामिस्ट्री के अंदर भी घटना को करेक्ट आती हैं, तो जब मैं वो उन्होंने सोचा मुझे वास्तु आता है, सच्चाई था 97 या 96 के आसपास, ज़्यादा 8 होगा, मुझे वास्तु नहीं आता था, पर लोग ये समझते थे कि मैं चारों तरफ से पक्का हूँ। अब मैंने बहुत समझाया कि मुझे वास्तु नहीं आती है कुछ भैया, पर नहीं माने। अब मैंने क्या किया कि मार्केट से 5-6-7 वास्तु की किताबें खरीद लाए, खरीद लाने के बाद में उनका जिस्ट निकाला और पहली बार पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में थोड़ा आगे घर, फिर उसके बाद में अगले बार जो पढ़ाया, दूसरी तीसरी बार में पढ़ाने लगा, फिर घुटन महसूस हुई ये कि कौन सा वास्तु है ये। हर एक आदमी को कहते थे ईशान कोण में मंदिर बनाओ, हर एक आदमी को कहते हैं नैऋत्य कोण के अंदर आपका टॉयलेट होना चाहिए, वह फिक्स है हर चीज़। तो वह वास्तु केवल इस तरह से है जैसे 12 राशियों का राशिफल अखबार में आता है या टीवी में बोलते हैं और वो करोड़ों लोगों पे मेष राशि होती है, किसी पे लगता है किसी पे नहीं लगता। तो इसमें पर्सनलाइज आर यू ट्राइंग टू बी पर्सनलाइज, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि जब मुझे घुटन हुई तो मैं टेंशन में रहता था कि मैंने कहा ये कौन सा वास्तु है, तो पूरी बकवासबाजी है पूरी की पूरी। और फिर एक दिन मैं भगवान जी से प्रार्थना करता था, भगवान कहाँ मुझे फंसा दे, फिर लोगों से कहा भैया मुझे आता वाता नहीं है, ये तो बकवासबाजी पूरी, ये कैसे हो सकता। मैं इसको बताने लगा लोगों की जब सबका भाग्य एक, आप एक स्केल से कैसे माप सकते हैं। सोचते सोचते एक दिन याद दिमाग में आया, वास्तु का मतलब वस्तु, और हर वस्तु का कारक तो ग्रह है, तो बिना ग्रह के वास्तु कैसे हो सकती है, बिना ज्योतिष जाने वास्तु कैसे हो सकती है, चाहे वह घर की है, चाहे वह आपके इंडस्ट्री की है, चाहे हॉस्पिटल की है, चाहे आपके होटल की है, किसी भी प्रोफेशनल्स की हो, बिना ग्रह को देखे वास्तु हो ही नहीं सकती किसी भी हालत के अंदर। वहाँ किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य शनि लग्न में पड़ा है तो उनको ईशान कोण के अंदर मंदिर कभी भी सूट नहीं करेगा। सर कैन यू रिपीट दैट, शनि लग्न में है या लगन 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 के मालिक से दृष्टि युति संबंध कोई भी बना रहा है तो ईशान कोण में मंदिर कभी भी सूट नहीं करने वाला उन्हें,
और वहां तत्व का चल रहा है कि ईशान कोण में ही कर दो। वर्ष की हर किताब ये कहती है, आप बोल रहे नेटल चार्ट में, नेटल चार्ट कहते हैं जिसका नेटल नहीं उसकी प्रश्न चर्चा बनाए उसी टाइम पे। अच्छा, आपको उस चार्ट से, नेटल चार्ट से या प्रश्न चार्ट जो भी अवेलेबल है उस टाइम पे, उससे आप यहां बैठ करके उसके घर की सारे सामान की जानकारी दे देते हैं या जो भी वो पूछना चाहते हैं हम बता देते हैं कि आपके घर में इस कोने में ये सामान पड़ा हुआ है, उसके उठा करके इस कोने में कर लो आप। सर, इसका आप हमें एक लाइव एग्जांपल दे सकते हैं, किसी भी एक प्रश्न बना के इनका या किसी का भी? केपीआर बुक में मेरा आर्टिकल वास्तु पे छपा है, पहली बार चैलेंज किया है 2-3 साल पहले। अच्छा, पूरे वर्ल्ड को मैंने चैलेंज किया हुआ है। अच्छा। कि वास्तु बिना ज्योतिष जाने कोई भी वास्तुशास्त्री हो ही नहीं सकता है। अच्छा। और ये हमारे वेदों की देन है, बातों की, ये तो वेदों से आया है सब कुछ, उसके अंदर है वास्तुशास्त्र, वहां प्रयोग हुआ है पूरी तरह। पर ये लोग तो राशियों को, राशियों की दिशाओं को, नक्षत्रों को, समान के कारकत्व को भूल बैठे हैं। कोई भी ज्योतिष में ऐसी बुक नहीं है पूर्ण जो कारकत्व बताए प्लैनेट्स के बारे में, कि ये घर के सारे सामान का कारकत्व बताते। ये हमें अपना मेहनत करनी पड़ती है, जितना एस्ट्रोलॉजी का डीप नॉलेज होगा उतना ही ज्यादा हम घर के सामान को पूरी डीपली बता सकते हैं। सर, मेरा 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ। जैसा आपने शनि लग्न या लग्नेश से दृष्टि हो, तो आप एस्ट्रो वास्तु में आप फर्स्ट हाउस को ईस्ट लेते हैं? ईस्ट नहीं लेते हम उसको। अच्छा। कभी भी नहीं लेते, वहां पर वह सिंबॉलिक है केवल। अच्छा। फर्स्ट हाउस ईस्ट लेना सिंबॉलिक है, वो ईस्ट नहीं है परमानेंट। अच्छा। उसको इसलिए कहा है ईस्ट लोगों को समझाने के लिए, जिस तरह से दिन की शुरुआत पूर्व से होती है उसी तरह कुंडली की शुरुआत लगन से होती है। अच्छा। उसको जस्ट लाइक पूर्व माने पर है नहीं वो। अच्छा। वो है नहीं। अच्छा। क्योंकि जब लगन है, एंट्रेंस है घर की, लगन एंट्रेंस है, सेकेंड हाउस हमारे राइट साइड वाला भाग है। हाँ। सेकेंड हाउस आपके पास, थर्ड हाउस हमारे वो जितने राइट साइड में जाएंगे, और सामने वाला सातवां घर हमारे पास में वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड है वो, वहां की सिंबॉलिक दिशाएं अगर हम मानते हैं। तो बेसिकली सेवंथ हाउस ऑपोजिट साइड ऑफ द एंट्रेंस साइड है ऑफ द एंट्रेंस। और आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये जाएगा पब्लिक को जागरूक होंगे इससे, जो वास्तु चला हुआ है ये वास्तु नहीं था जो मार्केट में चल रहा है, कभी भी नहीं था। इन्होंने नक्षत्र वगैरह तो जोड़ करके वास्तु का जो जानते थे उन्होंने दे दिया। सच्चाई क्या थी कि ये एक सुविधा थी उस दौरान, सुविधा थी, आपके पास जमीन बहुत सारी थी, खुली जगह होती थी, और उसके अंदर खुली जगह के अंदर स्वाभाविक है कि सुबह उठते हम घूमने जाएंगे, साफ हवा में घूमेंगे, तो वायव्य कौन कह दिया? घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होता था उस जमाने के अंदर, वैदिक काल के अंदर कहां टॉयलेट होते थे, बाद का कंसेप्ट है, बाद में जो आबादी बढ़ता बढ़ने लगा है। तो उसके बाद में हम जब घूमने गए हैं वहीं पर ही अपने क्या नाम टॉयलेट वगैरह जा करके फिर नदी में, तालाब में, बावड़ी में नहा के आते थे। बहुत कम थे कि घरों में बाथरूम नहीं होते थे, सिर्फ लेडीज भी वो क्या करती थी, थोड़ा आउट वाले कोई जगह बना दी और उसके अंदर जाके नहा ली, पुरुष तो बाहर नदी नहरों में, नदियों में, तालाबों में, बावड़ियों में जाके नहा के आते थे, पवित्र थी वो सारी की सारी उस टाइम पे, आज की तरह गंदगी नहीं थी। जब नहा के आप फ्री हो गए हैं तो नेक्स्ट आपके पास में काम, नेक्स्ट दिनचर्या आपके पास बन जाती है कि पूजा करेंगे। तब हमने पूजा के लिए तैयार हुए, पर हमने पूर्व क्यों चुना? पूर्व इसलिए चुना है, उसमें आपके वास्तु में ये नियम है, प्रचलित वास्तु के अंदर ये नियम है कि मुंह पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए, साइड होना चाहिए, मुंह ईशान की तरफ होना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या था कि यदि पूर्व की तरफ करेंगे, पूजा देर से तक हो रही है तो सूर्य की लाइट आंखों में पड़ेगी, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा किसी भी हालत के अंदर। तो इसलिए वहां हमने उसको नहाने की जगह, पूजा की जगह बना दी, वो फिक्स हो गए, रिजिड हो गए हम वहां पर। उसके बाद में क्या हुआ कि वहीं पर ही हम लोगों से अपने घरवार पूजा के बाद में बातचीत करते हैं कि क्या बनाएं, क्या खाएंगे, आज का दिनचर्या हमारा क्या होगा। तो वहां उसी स्थान को, वहां पर पास में थोड़ा सा पास वाली जगह को हमने ड्राइंग रूम बना दिया, उसको इन्होंने ड्राइंग रूम बना दिया उसको उठा करके, जबकि वह आवश्यकता का एक पार्ट था, परमानेंट नहीं था कुछ भी वहां, वो तो एक शुरुआत थी हमारे। उसके बाद में क्योंकि आज की तरह से भागदौड़ नहीं होती थी, ज्यादातर नौकर लोग नहीं होते थे वहां पर, व्यापारी दुकानदार लोग काफी थे वहां पर, नौकरी वाले बहुत कम होते थे, राजाओं के साथ या उनके नीचे वाले अफसरों के साथ हुआ करते थे। तो उन्होंने जब देर से आदमी दुकान पे जाता था, अपने व्यवसाय के पर जाता था, तो वहां पर कुछ लोग लंच करके गए, कुछ लोग बाद में आ गए। तब हमने सूर्य जब पूर्व में निकला तो हमने वहां बैठे, जब हमने घूमने गए तो
वायव्य कौन कहलाए, चंद्रमा का मालिक, वो घूमने की नेचुरल दिशा है, घूमना हर एक आदमी की जाता है, मोस्टली जाते हैं। फिर आप वहीं से नदी नहर में नहा करके आगे, नदी नहर तालाब बावड़ी के अंदर आप फ्री होकर के आगे, पूरी तो पूजा ही रह जाती है आपके सामने, पूजा रहेंगे। और ताकि वहां पर पूर्व दिशा के अंदर इसलिए हम बैठ रहे हैं कि पूर्व दिशा के अंदर सूर्य की किरणें हमारे सामने पड़ेंगी, घर में जाएंगी तो बैक्टीरिया खत्म होता है, वहां से सफाई बनी रहती है। फिर आपके पास में थोड़ी सी आगे जाकर सूर्य आगे बढ़ जाता है, वहां पर वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाता है, वहां हमने किचन की, क्योंकि वैसे खाने का टाइम हो गया है इसलिए वहां किचन हमने दे दी। वहां पे खाना खाने के बाद में आराम करने का मन करता है कुछ लोगों का, उसके साथ में कमरा बनाया, कमरा इसलिए बनाया कि वहां पर आराम करने की जगह भी कोई चाहिए आपको, और उस कमरे में व्यवस्था इन लोगों ने ये की कि ताकि पीछे कोई वेंटिलेशन रोशनदान विंडो वगैरह ना रखें, ताकि धूप आकर के आपकी नींद को खराब करेगी, दोपहर में आराम को खराब करेगी, इसलिए वहां हो रहा है। और पश्चिम दिशा के अंदर वहां पर सोने के सूर्यास्त का बनाया, तो ये सारी चीजें आवश्यकता थी वहां पर, आवश्यकता के अनुसार जो आज रिजिड हो गई, वास्तु कल्पना में भी नहीं है, वो तो आपकी जरूरतें हैं उसके अनुसार आपने दिनचर्या घूमते हुए चल रही है। वास्तु का मतलब वस्तु, और वस्तु बिना ग्रह के हो नहीं सकती। दुनिया की हर वस्तु का कोई ना कोई कारक ग्रह है। मेरे पास सोफा पड़ा है, सोफे का मालिक जब यह लकड़ी जब यह मार्केट में था तो ये शनि और शुक्र का रूप है आपके पास में, टेलीविजन ये शुक्र है आपके पास में, घड़ी जो लगी हुई है ये आपके पास मरकुरी है आपके पास में, मोबाइल आपके पास मरकुरी है आपके पास में। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम क्यों बना, ड्राइंग रूम में आतिथ्य लोगों का किया जाता है, और आतिथ्य करने के लिए बृहस्पति चाहिए। जिधर कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो यानी जिधर का मतलब है कुंडली में बृहस्पति जिस राशि में पड़ा है, अगर वह बुरे घर नहीं ले रहा शुभ, क्योंकि ज्योतिष के अंदर शुभ और अशुभ दो ग्रह बताए गए हैं, तो हमें देखना है जो इसकी पहचान ये है कि वह शुभ हो, ये ज्योतिषी के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठ कर शुभ या अशुभ हो सकता है, ये ज्योतिषी के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जिस राशि में पड़ा है तो वह अशुभ है, तो जिसमें जाना चाहिए था वह शुभ होती, उस राशि की दिशा के अंदर आप अतिथियों के बैठने की व्यवस्था करें या बड़ों के सोने की व्यवस्था करें। आप उसके अंदर जहां चंद्रमा आपका पड़ा हुआ है उधर आपके पास में पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। जिस राशि में मंगल पड़ा है आपके पास में उस दिशा के अंदर आपके किचन होनी चाहिए। उन्होंने तो परमानेंट कर दिया मंगल की किचन सीधी दक्षिण में बनाएंगे हम जाकर के परमानेंट दक्षिण, तो वो तो सभी की 1000% एक ही किस्मत करते हैं। इसीलिए जो आम आदमी बोलता है कि मेरा घर तो वास्तु एकदम वास्तु तरीके से ही बनाया फिर भी काम नहीं कर रहा, आप देखें तो ये रीजन है। किसी भी सोसाइटी में जाएं और मोस्टली बिल्डर्स क्या करते हैं कि आर्किटेक्ट से सलाह करने के बाद ही वो बनाते हैं, तो फिर वहां से सारे क्यों, सारे तो सुखी नहीं है, कोई सुखी है कोई दुखी है, वहां बराबर क्यों नहीं हो गए वो लोग, ये रीजन क्योंकि ये वास्तु नहीं है। नहीं सर, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि घर में चार सदस्य हैं, माता पिता बेटा और 45 सभी की अपने अपने अलग अलग कुंडली, तो किसका लेके वास्तु पकड़ना है? देखो पूरे घर का वास्तु एट ए टाइम नहीं किया जा सकता। अच्छा। मैं आपको बता दूं वास्तु उसके घर की मुखिया की कुंडली से चलता है, परंतु घर के अंदर जो मुखिया है उसके साथ साथ मेंबर्स के घर के परिवार के सदस्यों की अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब पर वहां हमें देखना है कि बच्चे के कमरे में कहां प्रॉब्लम आई है, वो सिर्फ बच्चे के कमरे में करवाएंगे। बच्चे यदि एज ए होल पति पत्नी में आ रही है तब हम मुखिया की कुंडली के अनुसार सामान में चेंज करवाएंगे वहां से। यदि उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ रही है तो हम सूर्य की स्थिति देखेंगे, उस घर में सूर्य के सामान कहां है जो गलत दिशा में पड़ा उसको गलत दिशा में लाएंगे। जो कारकत्व ज्योतिष के हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के हैं, जो हमारी चीजों के, उन्हीं से कहीं अपमान हो रहा है, बार बार ह्यूमिलेशन आ रहा है, तो हम देखेंगे दसवां घर हमारा मान सम्मान प्रभाव प्रतिष्ठा यश के लिए होता है, तो दसवें घर का माल, दसवें घर में जो सामान होना चाहिए था उसकी चीजें इधर उधर तो नहीं पड़ी हैं कहीं पर, तो उनको चेक करते हैं, उनको ठीक कर तुरंत करवाई जाए। और वहीं से देखने पर दसवें घर में आपका 10th रोड गलत कुंडली में आ गया है तो उसे प्रशंस में देखेंगे कि ये गलत आ गया, यहाँ होना चाहिए था, उसको सही जगह पहुंचाएंगे आपके पास में। अब समस्या इसके अंदर लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो किराएदार है मकान बार बार बदलते हैं, कुंडली तो वही होती है हमेशा और डायरेक्शन बदल जाती है सामान की वहां पे, तो ग्रह आपके पास में दशाओं के अनुसार से सामान चेंज करवा देता है, क्योंकि जब ग्रह आता है अपना प्रभाव डालता है सबसे पहले हमारी बुद्धि पर अटैक करता है, बुद्धि
खराब होना तो बुद्धि खराब हो जाएगी, अच्छा होना तो बुद्धि ठीक चल पड़ेगी हमारे पास में, तो उस सामान से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है सीधा। सर आप हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाके कोई एक एग्जांपल दीजिए जहां पे आपने ठीक किया हो आपको। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास राजकुमार चौहान ये क्लास में थे, शायद लास्ट ईयर की बात है, और इनके बेटे की मैरिज का था प्रश्न, और लड़की वालों के पता नहीं इन्होंने बताया जो कि कुछ उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्या किया कि और उनकी तरफ से ना होगी कार्ड बांटने के बाद, कार्ड बांटने के बाद हम नहीं करेंगे यहाँ पे शादी, और कार्ड यहाँ हमें सबको दे गए थे क्लास के अंदर, सबको दे गए। अब ये क्लास में आकर के बैठे दुखी होकर के, सर मेरा तो परेशानी होगी, जो कार्ड दिए थे वो लड़की ही मना कर गई, सारे मना कर रहे हैं। तो फिर मैंने एकदम से कहा कि उसी टाइम की प्रश्न कुंडली लगाई, प्रश्न कुंडली के अंदर मैंने देखा कि मंगल कमजोर पड़ा हुआ है इनके पास में, मंगल को पावरफुल करना है हमें, मंगल को पावरफुल। तो मैंने बोला कि आज जा करके जो प्रश्न कुंडली मुझे ध्यान नहीं है वो उनके पास है, राजकुमार सभी लोगों के पास है वहां पे, तो मैंने आज जा करके इस कोने में लाल बल्ब जला दो और जलना चाहिए कंटिन्यू, अच्छे से अच्छा पावरफुल जला दो आप उसके अंदर जाकर। इन्होंने संडे को दोपहर बाद जलाया या शाम को जलाया क्योंकि दोपहर बाद मेरे पास से गए थे, और मंडे ट्यूसडे शायद मैं घर पर ही था तब इनका फोन आया मेरे पास 10-11 बजे, सर ये तो कमाल हो गया, चमत्कार है। मैंने क्या हो क्या गया, कहता ये तो वास्तु में चमत्कार है, लड़की वालों ने स्वयं ही हाँ कर दी है, खुद ही आकर बुला रहे हैं, नहीं हम तैयार हैं, तैयारी आगे बढ़ाए। तो वास्तु तो आप ऐसे सिंपल रेमेडीज देते हैं जो नॉर्मल अप्रोचेबल हो, अप्रोचेबल तोड़ फाड़ का उनके वास्तु में भी, ओरिजिनल वास्तु में भी तोड़ फोड़ अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किसी भी हालत के अंदर। और दूसरा ये ईशान कोण में कहते हैं मंदिर बनाओ, कहीं पर भी वास्तु में मंदिर का घर में स्थापित करना ही अलाउड नहीं है, पूरी तरह विधि विधान से स्थापित करना नहीं चाहिए कभी भी। अच्छा हाँ, ये वहां के वास्तु में है, वैदिक काम है। अच्छा। ये है, और ये तो अपना पहली बार में कहते थे ईशान कोण में मंदिर बना लो। अच्छा। एक सज्जन थे तो वो है कॉन्ट्रैक्टर है, तो मेरे से कहने लगे, मेरा जो मकान बन रहा था तो कि सर यहाँ पे टंकी रखवानी है, यहाँ रखवानी है। मैंने कहा यार तू बीच में मत बोल, तेरा काम है सुपरविजन करना है, मजदूर आ रहे हैं, मिस्त्री आ रहे हैं, इनका ध्यान रख पाता क्योंकि मैं आ नहीं पाता बार बार मैं वहाँ पे आपके यहाँ देखने के लिए, तो इसको बस देख ले और जहाँ रखना है रखने दे, चलेगा, कुछ नहीं होता जी। कहते नहीं सर फिर मैं वास्तु से बता रहा हूँ। मैंने कहा तूने वास्तु कहाँ से पढ़ लिया, सीधा मैंने यही जवाब दिया, तूने कहाँ से पढ़ा भाई वास्तु। तो कहने लगा सर मेरे सीनियर के पास मोटी मोटी किताबें हैं और वो तो सालों से कर रहे हैं। फिर मैंने कहा तू चुप रहे। फिर कुछ दिनों के बाद जब कई बार मिले मैं उनसे, और मिलने के बाद मैं उन्हें पता लगा कि ये सालों से लगभग 20-25 साल से ज्योतिष में है और अच्छा करता है ये इंसान। तो फिर कहने लगा आप मेरे को आप कभी वास्तु से, फिर मैंने उसको बताया कि ज्योतिष में हूँ। फिर मैंने कहा वास्तु बिना ज्योतिष के हो ही नहीं सकता, हर ग्रह किसी न किसी सामान का मालिक है, प्रतिनिधि है। तो फिर कहने लगा मुझे वास्तु सिखा दोगे, मैंने कहा तब तो मैंने हाँ कर दी वास्तु सिखा दूंगा, मैंने कहा जब कोई ग्रुप आएगा तो बता दूंगा आपको वास्तु सीखने आएंगे। तो जब ग्रुप आया तो मैंने सोचा मैं इसको कैसे बताऊँ सिखाऊँ, ये तो ज्योतिष की एबीसी भी नहीं जानता, उनका वास्तु हर एक आदमी सीख लेता है और है ही कुछ नहीं, वो तो सभी किताबों में एक ही है। तो हमारे वास्तु जो सच्चा वास्तु है, वास्तविक वास्तु है, उसको सीखने के लिए ज्योतिष का गहरा से गहरा ज्ञान चाहिए। सर ज्योतिष एक ऐसा थोड़ा लोग कहते हैं कि वास्तु दोष तो कुंडली में अपने जो जन्म कुंडली उसमें पता चल जाता है कि वास्तु दोष इसको आने वाला है कि नहीं, मींस इसके घर में वास्तु दोष है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मैं आपको बताऊं कि जैसे आठवें घर का मालिक बुध है और वह आठवें का मालिक है, पड़ा दसवें के अंदर है, तो वह आपको टेंशन देगा, यानी कि आपके पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स या ऑफिस में पेपर आप बुध जिस राशि में उस दिशा में रखेंगे तो परेशानी आएगी, उस कुंडली में है, तो अब हमें उसको हटवाना है। सर अभी राशि का भी डायरेक्शंस का लोग बहुत सारे राशि एक्सप्लेन कर सकते जैसे हैं। जैसे आपके पास में एक नंबर, पांच नंबर, नौ नंबर पूर्व दिशा बताती है, ईस्ट बताती है। हाँ। उसके बाद में आपके दो छह दो बताएगी आपके पास में, ईस्ट के बाद में दक्षिण आया,
फिर तीन बताएगी पश्चिम, चार बताएगी उत्तर, फिर पांच बताएगी आपके पास, फिर ईस्ट बताएगी, छह बताएगी आपके पास, फिर दक्षिण चलेगी, सात बताएगी पश्चिम, आठ बताएगी फिर दक्षिण, ये पूरा राउंड है घर की, वही आप फॉलो करते हैं। हाँ वही, और ये दिशाएं ज्योतिषीय हैं। करेक्ट। तो आठवें का मालिक सपोज मेष में आ गया, आठवें का मालिक बुध होके मेष में आ गया, तो आपने अब हम देखेंगे, अब हम उन्हें ये देखेंगे कि मेष राशि किसी गलत घर में तो नहीं पड़ी है, टेंशन जो घटना के विरोधी घर में तो नहीं चली गई है, जो अब अगर उसको ऑफिस में प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। अब हमने देखा कि एट्थ लॉर्ड आपके पास में मर्क्यूरी है, टेंथ में पड़ा हुआ है, एट्थ लॉर्ड होकर के फिर हमने देखा कि इसे कहां पहुंचाया जाए, कहां पहुंचाना उचित रहेगा। अब हमें यह देखना है कि ये तो आठवें का मालिक दसवें में का, दसवें का मालिक कहां पड़ा है, किस राशि के अंदर पड़ा है, क्या वो तो गलत नहीं पड़ा है, उसकी चीजें वापस दसवें घर में पहुंचानी है, और इसकी चीजें उस घर में पहुंचाना है जहां बुध शुभता देगा, उस घर में पहुंचाना, उस राशि के अंदर पहुंचानी हमें। और इसके लिए आसान तरीका नहीं है, उनकी तरह से क्या नाम है वैदिक, ये जो आपके जो करते आ रहे हैं क्या वास्तु, इसके लिए ज्योतिष जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वास्तु कर सकते हैं। सर कहते हैं राहु चौथे घर में होगा तो वास्तु दोष देता है, क्या ये सच है? वास्तु दोष नहीं, पितृ दोष देता है, वास्तु दोष नहीं है ये। अच्छा, तो वास्तु दोष के क्या कॉम्बिनेशन है सर? वास्तु दोष का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो तो जन्म पत्री के ग्रह देखने हैं, ग्रह खराब पड़े हैं तो वास्तु दोष है उसके अंदर, हम उनको ठीक, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो एजुकेशन के कारण ग्रह आपके गुरु और बुध हो गए दोनों के दोनों, अगर पढ़ नहीं रहा है तो वो खराब पड़े हुए हैं, वो पढ़ने के लिए वास्तु दोष दे रहे हैं, तो उनकी चीजें हम सही जगह पहुंचा देंगे बच्चे के कमरे में, सिर्फ बच्चे के कमरे के अंदर। सर जैसा आपने बोला लग्न में शनि हो या लग्नेश के साथ शनि हो तो ईशान कोण में प्रॉब्लम आती है, ऐसा पैसे के मामले में क्या कॉम्बिनेशन आपने देखा? पैसा भी बृहस्पति ही है। अच्छा, पैसा भी बृहस्पति ही है, धन का कारक भी बृहस्पति है, तो यदि वह पर आपके पूर्व दिशा के अंदर रखेंगे पैसा या उत्तर दिशा के अंदर रखते हैं, शनि ने ले रखा है तो उनको बरकत नहीं होने वाली है, खर्चे पर खर्चा फालतू का आता रहेगा वहां पर, तो इसलिए हमें गुरु की, क्योंकि धन का कारक गुरु है, लगन को शनि लेके चल रहा है, लगन शनि प्रधान हो चुकी है, इसलिए हमें शनि की शुभ स्थिति कहां बनती है, तो दसवां घर शुभ स्थिति बनी, दसवां घर आपके पास शुभ स्थिति बनी है, उसके अंदर हमें देखना दसवें घर में जो राशि पड़ी है उस राशि की कौन सी दिशा है, उस दिशा के अंदर धन की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। हाँ जी सर, वास्तु पे तो हमने काफी बात कर दिया, अभी हम रेमेडीज पे अगर ये करें, जो सिंपल यू आर फेमस फॉर सिंपल रेमेडीज, तो ये रेमेडीज देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्रहों का कारकत्व जिसको अच्छा आ गया वो अच्छी रेमेडी कर सकता है, किताबों के अंदर स्टीरियोटाइप चल रही है, तो शनि हमारे पास खराब है, हमें शनि को परे करना है अपने से, तो शनि की चीजें सिंपल चीजें घरों में है हमारे पास में, ये पूजा पाठ धोखा, ये चीटिंग वगैरह या ज्यादा पैसा लेना हमारा, मैं अलाउ नहीं करता कहीं पर, भाई शनि की चीज आपके पास घर में पड़ी, काली मिर्च तो पड़ी है आपके पास में, काली मिर्च आप मंदिर में डोनेट कर दें, आपके पास उड़द की दाल तो पड़ी है, साबुत उड़द पड़ा है, वो मंदिर में डोनेट कर दें आप उसे, किसी गरीब आदमी को दे दें आप उसे। उड़द की दाल इज विच प्लैनेट से? सैटर्न। सैटर्न दोनों, काली मिर्च और काली मिर्च, सैटर्न, लोहे का सामान, चमड़े का सामान, ये सारा सैटर्न की चीजें जो भी इजीली अवेलेबल है उसके पास में। तो अगर प्रश्न में कोई आप एक एग्जांपल देंगे हमें संबंध के लिए, इसको कैसा हम यूज करें ये उपाय को, या आपने कोई एक्सपीरियंस आपको याद आता हो प्रश्न का या कुंडली का शनि का उपाय के बारे में? सभी का उपाय बता दूंगा ना इसमें, शनि का दिन में जितना पूछे आप इसमें क्या टाइम चाहिए मेरे, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि शनि एट्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड है और वह आपके पास में किसी भी घर में चला गया उस घर को परेशान करेगा, चौथे घर में चला गया घर के सुख, यानी कि चौथा घर गृहस्थ सुख ही नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी चीज से आपको कोई भी सुख मिलने वाला है तो चौथा घर हमें बताता है, तो वहां पर लेकर के ग्रस्त के वातावरण को लेकर के बाहर लोगों से जो मिलने पर अच्छा लगता है, अपने लोगों से मिलने पर अच्छा लगता है, रिश्तेदारों से मिलने पर जो अच्छा लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि शनि एट्थ लॉर्ड है वहां चला गया, तो हम तुरंत कहेंगे शनि की कोई भी चीज ले लो जो मन में आए, वो चाहे बादाम ले लें, चाहे बादाम ले लें, चाहे काली मिर्च ले लें, चाहे उड़द साबुत ले लें आप,
ये आप डोनेट कर दें, फिर ये आप मंदिर में डोनेट करें, गरीबों को खिलाएं, क्योंकि शनि गरीबों का कारक ग्रह है, गरीबों में बांट दें, या शनि भोजन, शनि के लिए गरीबों को भोजन खिलाएं, नमक, नमक का भोजन, नमक नमकीन, नमकीन भोजन, भोजन खिलाएं, पूड़ी खिलाएं, सब्जी खिलाएं, उसके साथ में रोटी खिलाएं, पूड़ी नहीं है तो जो इजीली अवेलेबल है, शनि अपने आप ठीक होगा। शनि दूसरा कर्तव्य प्रायणता का मालिक है, शनि आपके पास में, आप कर्तव्य प्रायण बन जाइए, शनि न्यायप्रिय है, आप न्यायप्रिय बन जाइए, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, समस्या ही नहीं है तो कुछ भी। शनि आपका विस्की के डेडली एंटी है, जबकि विस्की का कारक कहा गया है, हम कहेंगे तुरंत छोड़ दो इसको, हम कहेंगे छोड़ दें इसको, शनि खराब पड़ा है तो आपकी सभी प्रकार का नशा वर्जित कर दें, अपने आप ठीक हो जाए, वर्जित मीन्स लेना बंद कर दें, कंज्यूम ना करें, कंज्यूम ना करें। बृहस्पति खराब पड़ा है, कुंडली कहीं पे खराब आ रहा है, और तो बृहस्पति खराब आने पर तुरंत हम कहेंगे कि बृहस्पति खराब आ रहा है आपके पास में, तो बृहस्पति की चीजें जैसे पीली दाल, चने की दाल, पीला मीठा, ये इस तरह से कोई चीज आप मंदिर में डाल करें, क्योंकि बृहस्पति धर्म का ग्रह है और मंदिर का मालिक है, प्रतिनिधि है, तो हम कहेंगे मंदिर में दान करें, आप मंदिर में दान करें। सर आपने ये शनि और विस्की की बात की, मींस अल्कोहल की, हाँ। तो ऐसा भी कहते हैं कि शनि अगर दसवें घर में बैठा है, हाँ। तो वो अल्कोहल या एडिक्शन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, तब ऐसे समय में कैसा उपाय अपन के साथ? कोई भी विस्की पीता है अगर शनि खराब, शनि वहां पे खराब कर रहा है, दसवें घर को खराब कर रहा है, तो उसके लिए रेमेडी आज ही एक मिस्टर गुलशन कुमार है, वो कह रहे थे मेरे से, और शायद स्पोर्ट्स में कहीं हैं, वो अच्छे पोस्ट पर हैं, तो आज उन्होंने बताया, क्योंकि विस्की छुड़वाने के लिए महीना दो तीन महीने के अंदर अपने मन हट जाता है, लाल गुलाब पानी में डाल करके नित्य सूर्य को जल चढ़ाएं प्रातः, लाल गुलाब किसी भी बर्तन में पानी में डालें, तांबा चांदी लोहा कोई लेना देना नहीं, चाहे प्लास्टिक की बाल्टी में डालते हैं, हमें श्रद्धा चाहिए आपके ग्रह के प्रति, आप पानी में डालें, चाहे नहाने का ही टम्बलर क्यों ना हो आपके पास प्लास्टिक का, उसके अंदर पानी लिया, गुलाब डाला और सूर्य पर चढ़ा दिया, अर्पित किया, हाथ जोड़ लिया, ये अगर आप लगातार करते रहते हैं तो विस्की अपने आप ही छूट जाती है। सिगरेट्स भी, सिगरेट्स उसके लिए राहु, अच्छा उसके लिए राहु है, उपाय बताएं सर, राहु, राहु की चीजें डोनेट करें, लाइक जैसे आप यदि बियर पीता तो बियर मत पिए, नारियल डोनेट करें, सफेद मूली दान करें, राहु की चीजें हैं, सफेद कहां पे दान करें, गरीबों को दे दें, मंदिर में दे दें, गाय किसी जानवर को खिला दें, राहु को परे करना है अपने आप को, राहु को परे करना है अपने आप को। सर किसी का जैसा मैडम बोल रही थी, इनका राहु का दशा चालू होने वाला है, तो केपी में ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि, क्योंकि काफी बार होता है, एक थियोरी होता है कि राहु स्टार्टिंग में जो भी देता है लाश में लेके जाता है, दूसरा एक थियोरी है कि स्टार्टिंग का अंतर दशा में अगर उसने गड़बड़ किया, खराब फल दिया, तो पूरा दशा अच्छा देगा, ये आपका क्या है? ये टोटली गलत विचार है, मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार हूँ इसको, किसी भी हालत के अंदर किसी राहु को हमारे टैक्स के अंदर छाया ग्रह कहा गया है, और वक्री भी लिख देते हैं, ना राहु छाया ग्रह था, ना है, ना होगा, कभी भी नहीं है, ये तो किंग मेकर है पूरा का पूरा, राहु केतु तो दोनों किंग मेकर हैं, कोई भी ग्रह इन पर दृष्टि डाले तो वो इनके अकॉर्डिंग चलता है, कोई भी ग्रह इनसे युति करे तो इनके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं, किसी की भी कुंडली के अंदर 10th लॉर्ड में, 10th हाउस के अंदर राहु है, या 10th लॉर्ड राहु से जुड़ा हुआ है, राहु से जुड़ा हुआ है, युति कर रहा है, या राहु को देख रहा है, राहु केतु का गुण है अचानक, प्री प्लैंड नहीं, इमीडिएटली बिना सोचे कुछ भी हो जाए, तो अचानक उनके दसवें घर के मामले में कुछ भी अचानक होगा, प्री प्लैंड नहीं होता कभी, सडन होगा जो एकदम, अच्छा या खराब, अच्छा या खराब, वो राहु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि राहु का संबंध किन किन ग्रहों से बना हुआ है, अच्छे या बुरे पे बना हुआ है वहां पे। तो राहु आपके पास में छाया ग्रह नहीं है, ये तो दूसरों को कंट्रोल करके चलता है, और राहु को केतु को वक्री कह दिया इन लोगों ने, वक्री तो थे ही नहीं कभी भी, मार्गी है पूरी तरह से, तो वक्री हमने दूसरे ग्रहों की तुलना में कहा गया है, क्योंकि उनकी जो वहां उन्हें वक्री क्यों कहा गया, जब कोई ग्रह तुला राशि के अंदर आगे जाना है तो डिग्री बढ़नी चाहिए, वक्री होने पर डिग्री कम होती चली जाती है, पर राहु वो उनकी नेचुरल
मोमेंट है, पर राहु केतु की तो नेचुरल यही है, तो उन्हें लिखना चाहिए दूसरे ग्रहों की तुलना में ये है। पर तुलना भी क्यों करें जब उनके उनकी तुलना आप नहीं कर रहे किसी से, तो इनकी तुलना करें सीधा बोलो कि मार्गी है। ये फालतू का भ्रम क्यों पालना है हमने लोगों के दिमाग में, कंफ्यूजन क्यों पैदा करना है इसको। तो राहु के दूसरा मैं आपको और भी बताऊं, इसके अंदर हो सकता है कि कहीं लोगों को बुरा भी लगे, लग सकता है कि जहां डालें चले कि डॉक्टर हमारे, हम जब चले जाते हैं तब हमारे से पूछ करके जो हम सिम्टम बताते हैं तब तो दवाई देता है, नहीं समझ में आए उसके, नहीं समझ में आए तो वो टेस्ट करवाता है, टेस्ट करवाता है तब जाके अपना इलाज शुरू करता है। टेस्ट भी जब भी समझ में फिर दोबारा टेस्ट करवा देता है। और ज्योतिष तो वो चीज है, आज ही किसी की प्रश्न पत्री जन्म पत्री आ जाए हम सालों पहले बता देंगे इस आदमी को इस टाइम में ये बीमारी आएगी और उसका इलाज होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, या आपके पास में आयुर्वेदिक है, कौन सी दवाई से रेमेडी से इलाज होगा। अच्छा, उसको देखते ही बता देंगे, कुंडली देख के बता देंगे कि ये बीमारी इस टाइम में आपको आएगी और इस बॉडी पार्ट में आएगी, बताएंगे आपको। मेरे पास है ना एक डॉक्टर आई, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, डॉक्टर आई वो सुनकर ही आई थी। फिर मैंने कहा था कि आप तो लोगों से पूछ के बताते हो, मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्योतिष जानती थी, मैंने कहा आप तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की तरह से बात कर रहे हैं कि लोग बताएंगे तो उसके अनुसार चल पड़ते हैं, हम तो आपको सालों पहले बता देंगे। तो कहने लगी मैं तो ठीक ठाक, मुझे बताइए। तो मैंने बताया ये शायद लास्ट ईयर होना था नवंबर में, तो मैंने कहा कि आपके पेट में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी इस टाइम भी आएगी और उसका ऑपरेशन होगा, वो मार्च से पहले नहीं होने वाला, मार्च के में जा करके हो रहा है आपका। वो धीरे धीरे करती करती मेरे से ज्योतिष सीखने लग गई, आगे बढ़ गई। अब एक दिन सबके सामने कहती है कि मुझे प्रॉब्लम है जो आपने बताया, मैंने टेस्ट करवा लिया, उस टाइम तो नहीं थी पर अब प्रॉब्लम आ गई है पूरी तरह से, और जो टाइम मैंने बताया था उसी टाइम में उनका ऑपरेशन हुआ है। MBBS डॉक्टर है वो, अच्छी हो। आपने बहुत खास बात बताई कि इसका उपाय एलोपैथी से होगा, होम्योपैथी से होगा या आयुर्वेद। दुनिया की हर चीज प्लेनेट से चल रही है, ये आप हमें क्लू दे सकते हैं कैसा ये पकड़ेगी, कौन सा किससे उपाय होगा? नहीं, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, ये हर एक हॉरोस्कोप पे अलग अलग हो जाएगा, अलग हर एक प्रश्न कुंडली पे अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, ग्रह की प्लेसमेंट पे चाहिए ये तो। अच्छा, हम कुंडली देखने से बता देंगे इलाज चल रहा है किसी पेशेंट का कि डॉक्टर ये इलाज नहीं कर पाएगा, डॉक्टर बदल दो इमीडिएटली, आप गलत कर रहे हैं। आपने जैसे हम लोग कारकत्व बोलते हैं, हाँ, तो आयुर्वेद का क्या कारकत्व? देखिए, सूर्य आपके पास एलोपैथ है। अच्छा, सूर्य आपके पास एलोपैथ है पूरी तरह से। मर्कुरी आपके पास में होम्योपैथ का काफी पार्ट लेकर चल रहा है। मर्कुरी शनि मिल जाने से, या अकेला शनि पुराना है, प्राचीन पद्धति की बात करता है आपके पास में, आयुर्वेद की बात करता है आपके पास में, तो इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से बता देंगे कि उपाय कौन सा, क्योंकि जन्म पत्री में या प्रश्न पत्री में पांचवा पहला और ग्यारहवा घर क्योर के हैं, क्योर के हैं, तो छठे घर के का संबंध, छठे घर के कारण ऐसे किस ग्रह का पांचवें या ग्यारहवें से संबंध है, हम उसकी उसका उपाय बताएंगे, उसकी दवाई बताएंगे उसे। अच्छा, दैट मींस सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड को अगर ग्यारहवां घर देख रहा है, हमारी भाषा में केपी की भाषा में छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी, यानी कि सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक है जी। वो फिर साथ ही उसकी दृष्टि युति में आने वाले प्लैनेट, उनमें से जो भी पांचवें को लेकर चल रहा है और जो वो ग्रह जिस पैथी को इंडिकेट कर रहा है वो पैथी हम बता देंगे, कामयाब होगा आदमी। मैं तो लोगों को कहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसमें और बढ़ाया जाए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, नर्सिंग होम्स के सामने हम कुर्सियां डाल के बैठ जाएं, डॉक्टर बाद में बताएगा, पहले हम बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम बताएंगे कि आपको बीमारी क्या है, जाके टेस्ट करा लें लेबोरेटरी में किसी में भी जाकर के। ये तो ज्योतिष ने तो पूरे ग्रहों ने कंट्रोल है पूरे का पूरा, इनके बिना कुछ भी नहीं है। सर, केपी में ये गोचर का क्या सीन है सर? केपी में जैसा हम जन्म पत्री में उनका नक्षत्र देखते हैं ग्रहों का, ऐसे ही गोचर वाले ग्रहों को डायरेक्ट नहीं लेते। गोचर में आपका शनि आ जाए चंद्रमा के से बारहवें, हम सीधा साढ़े सात ही कह देते हैं। लग्न में आया सेकंड स्टेप कह देते हैं, सेकंड हाउस में आया थर्ड स्टेप कह देते हैं। तो हमें उसको देखना चाहिए गोचर के शनि का किस ग्रह के नक्षत्र में है वो भी प्लैनेट गोचर का पकड़ना है, वो कौन से घर में चल रहा है। यदि अच्छे घर में चल रहा है तो अच्छा है, बुरे घर में चल रहा है तो बुरा है, बुरे फल देगा। जैसे आप कहते हैं कोई मंगलिक दोष है, कहते हैं मंगलिक कहीं नहीं होता, ना कोई काल सर्वे सब ड्रामेबाजी बना रखी मीडिया की देन है फालतू की, ज्योतिषियों को
आगे बढ़ा बढ़ा करके कि वो क्या करते हैं, चार मतलब चार क्लास पढ़ लेते हैं साल दो साल, लोग तो क्या करते हैं साल दो साल के अंदर ही अच्छे ज्योतिष कहने लग जाते हैं, तीन चार साल के, हमें तो 15 साल तक नहीं पता लगा था, चलते चल रहे थे जबकि इतनी दुनिया आती थी, प्रिडिक्शन करेक्ट होती थी मेरी। और यहाँ मैं आपको मंगलिक की बात कर रहा हूँ, मंगलिक मंगल एक, अभी बाद में हमने सेकंड हाउस भी ले लिया है, 1, 2, 4, 7, 8, 12 में हो तो मंगलिक कहा गया, हमारे ज्योतिष जिसको देखते सीधा मना कर देते हैं, पर आपके पास में जो चौथे घर में मंगल है या सातवें घर में या किसी भी घर में मंगल है उसका वो, क्योंकि मंगल उस घर में पड़ा है, उस घर में एक राशि पड़ी है, उस राशि में तीन नक्षत्र आ रहे हैं, उनमें से जिस किसी ऐसा नक्षत्र में पड़ा हुआ है जिसका स्वामी 2, 7 या 11 लेकर के चल रहा है, तो मंगल तो फैमिली लाइफ कभी भी खराब नहीं करने वाला, वो तो अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करने वाला है। ये तो सीधा मोटा तौर पर देखते हैं, मंगल डरा देते हैं लोगों को उठा करके, उसके नक्षत्र स्वामी को देखो आप, वो है कहां पर, अगर वो विवाह के सहयोगी घर लेकर के चल रहा है चौथे, क्योंकि मंगल की डायरेक्ट प्लेसमेंट सिंपली प्लानिंग है। मैं आप बताता हूं नक्षत्र राशि में क्या क्या आपके पास में वो मीनिंग क्या है दोनों का, राशि आम आदमी में देखें किसी भी घटना की जो प्लानिंग हम बनाते हैं वो केवल राशि है, फाइनल नहीं है, नक्षत्र उस घटना तक पहुंचा देता है, घटना तक पहुंचा देता है, जो सब लोड है यानी कि नक्षत्र का 9th पार्ट है, ये ज्योतिष ही है पूरा, केपी तो केपी साहब ने थोड़ा उसे सुंदर कर दिया है इसलिए नाम केपी पड़ गया, है तो हमारा पुराना ही है सब कुछ ना, केपी साहब ने रूलिंग प्लैनेट जोड़े हैं उसके अंदर, तो साइन राशि प्लानिंग नक्षत्र घटना तक पहुंचाना, सब लोड घटना को दे देना, मेरी प्लानिंग है आज मैंने चीनी चावल दाल खरीदना है, ये मेरी प्लानिंग है, ये राशि है, और उसके लिए मैं दुकान पे तो गया ही नहीं तो कहां से आ जाएगी, ठीक है ना जी, मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा या कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा, दुकानदार को किसी ना किसी तरीके से मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, दुकानदार तक पहुंच जाना किसी भी माध्यम से, ये लेवल स्टार है, नक्षत्र है, नक्षत्र है, और दुकानदार से सामान खरीद लेना ये सब लोड है, आपके हाथ में घटना आ जाती है, ये सब लोड है आपके पास में। सर आपने इतने सारे हजारों कुंडलीज देखे तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, यू नो 3-3 कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है, देखो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सीधा है, आप कॉम्बिनेशन 3 ग्रह 4 ग्रह 2 ग्रह की बात कर रहे हैं जो कि 90% तक गलत है, 100% तक गलत नहीं है, 90% कई जगह 95 भी मैं कह दूंगा। उसका कारण क्या है, जब आपके वैदिक काल से नक्षत्र को आप प्रधान मान रहे हैं और 2 ग्रह एक ही राशि में पड़े हैं जिनको आप कह रहे हैं युति, कंजक्शन वर्ड आप यूज कर रहे हैं, एसोसिएशन यूज कर रहे हैं आप उनके लिए, और वो ग्रह अलग अलग नक्षत्र ले रहे हैं उस राशि के अंदर डिग्री के हिसाब से, ठीक है ना, तो वो तो उनके स्टार लॉर्ड जहां पड़े हैं नक्षत्र स्वामी उन घरों का फल देंगे, एक ग्रह युति में होकर के कहीं और दूसरे घर का फल दे रहा है, एक ग्रह किसी और का फल दे रहा है जो कि पड़े हैं, तो युति कंजंक्शन की वैल्यू तब वैल्यू के लिए है या नहीं हमें ये देखना चाहिए, जिस राशि में पड़े हैं जितने डिग्री पे आए हैं उस डिग्री में कौन सा नक्षत्र को लेकर के चल रहे हैं, वह नक्षत्र स्वामी कुंडली के किस घर में पड़ा है, अच्छा है या बुरा वो घर, घटना के लिए स्टीरियोटाइप 6-8-12 नहीं, उस घटना के लिए वो नेगेटिव है पॉजिटिव, उस हिसाब से कहेंगे ये प्लैनेट इस घटना के लिए बुरा है, ये प्लैनेट अच्छा है। आपके पास में 5 प्लैनेट आ गए, वो 5 के 5 एक जैसा फल नहीं देते, कभी भी नहीं देते, यहां तो अभी शोर मच जाएगा मीडिया के अंदर, शनि मंगल इकट्ठे हो गए पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आप उनको ये तो देखो कि शनि किस नक्षत्र में मंगल किस नक्षत्र के अंदर चलेगा, दोनों एक ही राशि में आ रहे हैं और मंगल तो अभी एंट्री करेगा बेचारा, तो हमें हर ग्रह के नक्षत्र को देखना है, वह नक्षत्र का स्वामी कहां ट्रेवल करेगा, कौन से घर में करेगा, वो घर जो घटना चाह रहे उससे नेगेटिव है या पॉजिटिव वो फल मंगल या शनि ने देने हैं। स्टीरियोटाइप मोटे शब्दों में बता दूं कि मिडल पास कहीं से भी पढ़ के आते हैं, प्रेडिक्शन नहीं सीखते लोग, तो मेरा उद्देश्य है ये साइंस का दुनिया जाने इसके बारे में, मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हस्तक्षेप किया है, पामिस्ट्री में किया है मैंने हस्तक्षेप, वास्तु मैंने किया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, कम हमें मिल रही हैं, किताबों में है परंतु हमें उन और आगे बढ़ा करके हम गारंटी से कह सकते हैं इस बॉडी पार्ट में इस साल में ये होगा, ऑपरेशन होगा, हार्ट अटैक आएगा, अस्थमा होगा, ये होगा, आपके पास में हम गारंटी से कह सकते हैं यहाँ पे आपके
सालों पहले बता सकते हैं हम उसके, और उनके रेमेडी काम करती है, परंतु रेमेडी ग्रह ज्यादा ही पावरफुल है आपके पास में, तो रेमेडी कम काम करेगी उस रेमेडी, अब बताओ इतना काम करेगी कि जब रेमेडी नहीं की तो दवाई काम नहीं कर रही है, रेमेडी करने लगे तो दवाई भी चल पड़ी ढंग से, और ढंग की दवाई अपने को मिल जाती है, ढंग का डॉक्टर आपको मिल जाता है या डॉक्टर के दिमाग में दूसरी दवाई आ जाती है, ये कर लो जी आप। सर ये चीज जैसा एक बहुत सिंपल उपाय बताया सिगरेट का, हाँ, और इसका क्या आजकल मैं आपको देखो सीधा से बता दूं, आप किसी युग के अंदर तलाक नहीं होते थे बहुत सारे, शायद ही कहीं कहीं, आज इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम दुनिया आए दिन बहुत सारी घटना सुन रहे हैं, घर घरों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो यदि हम छोटा सा उपाय करने घर के किचन के अंदर, अच्छा, कि तवा गर्म जब हो उस पर पानी का छींटा मार के रोटी डालें तो आपस में तू तू मैं मैं पूरे ही घर के लोगों की बच जाएगी, मींस तवा जब गर्म हो जाए रोटी डालने वाले हैं तो पहला रोटी डालने वाले उससे पहले पानी के छींटे मार दें आप उसके ऊपर, अच्छा, और आज आपके देखें कि घर टूट रहे हैं, माँ बाप कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं, सब दुखी हैं, दो भाई कहीं हैं, ये टूटने का कारण क्या है कि उनसे आपका राहु खराब हुआ है, राहु खराब, आप ज्वाइन कर दें राहु भी अच्छा चल जाएगा, ज्वाइन करवा दें राहु अच्छा हो जाएगा अपने आप ही, कैसे ज्वाइन उनको इकट्ठा कर दें परिवारों को समझाएं या उनके राहु की रेमेडी करवा दें अपने आप बुद्धि में आ जाएगी, अच्छा। यदि घर जो टूट रहे हैं वो राहु की वजह से टूट रहे हैं, राहु का घर के अंदर किचन में यदि आप जो खाना बन रहा है वहीं पर खड़े होकर दो टुकड़े खा लेते हैं या वहीं बैठकर खा लेते हैं तो राहु खराब नहीं करता, आप सिरहाने सोते समय पानी का कोई भी बर्तन रखते हैं छोटा सा किसी भी, ये तांबा वांबा ऐसा कुछ नहीं है जो अवेलेबल है आसानी से, चाहे प्लास्टिक का ही बर्तन भी वो रखो और सुबह उठ करके किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दो, पेड़ पौधे की जड़ में डालने का उद्देश्य निरादर ना हो, श्रद्धा लगे आपके पीछे है उसके भाव, तो आपके पास में रहो वैसे ठीक रहता है, ये पानी सोते सुबह उठ के जाके इमीडिएटली कहीं भी डाल दो, फ्लावर पॉट में डाल दें आप, राहु राहु ठीक हो जाता है। और सर आपने जो एक बोला कि दो रोटी किचन में ही खा, दो टुकड़े खा लो, वो किसको खाना है, खुद को, हेड ऑफ द फैमिली नहीं, सबको, जिसका राहु खराब है, सबका तो राहु कुंडली घर में खराब नहीं है ना, जिसका राहु खराब है, जिसके जिसके हमने सिगरेट छुड़वानी है वो खाना शुरू कर दे, अच्छा, हाँ तो बढ़िया, दो चार छह महीने अपने आप कम होती चली जाएगी, अच्छा। और ऐसा सर प्लीज आप उपाय बताइए सर कि जैसे जिसको नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही और नौकरी का योग है, परेशानियां आ रही हैं, तो उसके लिए सूर्य को प्रबल करें, गुड़ पानी में डाल करके, जब हल्का सा गुड़ डालना है, जब वो शहद रंग का हो जाए तो सूर्य को अर्पित किया करें आप उसे, अर्पित किया करें, तो गुड़ पानी में डाल के थोड़ा समय रखें, नहीं थोड़ा पानी में घोला चला है चम्मच से इमीडिएटली सूर्य को अर्पित किया, हाथ जोड़ लिए, अच्छा। हाँ वो ये वो या आपके पास में और जो है सूर्य की चीज़ें कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास में गुड़ हो गया, आप सूर्य की चीज़ें या सूर्य के रिश्तेदार कौन से होंगे, चीज़ें गेहूँ हैं गुड़ है आपके पास, रिश्तेदार यानी कि जो सम्मानित लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, बड़े हैं, सब ऊंचे पदों पर हैं, उनका सम्मान करें आप, नौकरी में हैं और नौकरी में डिस्टर्बेंस है, आप अपने अधिकारियों का सम्मान करें, आप अपने बड़ों का सम्मान करें, आप अपने सीनियर का सम्मान करें, चाहे वो सीनियर चाहे आपके एकदम आगे से ऊपर तक कोई भी हो, सीनियर जो भी आपको सम्मान करें, सूर्य आपका कभी भी खराब नहीं होने वाला है। सर आजकल बच्चे लोग को बच्चा पैदा होता है नजर दोष, इतना परेशानी हो जाता है, बच्चा बीमार रहता है उसके वो उसकी प्लेनेटरी पोजीशन है, कोई उसके ऊपर जादू टोना नहीं हुआ, ये सब दोष नहीं कोई दोष वास नहीं होता, ये सब ठगते हैं ये लोग जो आते हैं, तांत्रिक वांत्रिक कर दे ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बेवकूफ बनाते हैं, और ये सारा प्लेनेटरी जब राहु खराब आता है आपके 8वें 12वें घर को ले लेता है राहु, तब लगता है किसी ने कुछ कर दिया, उसके दिमाग में आ जाती है, जबकि होता कुछ भी नहीं है, आदमी मर गया उसके भूत परे तो पीछे लग गए, और आपका जानवर मर गया, जब कुत्ता आपके पीछे दौड़ता था वो मर गया, वो रात के टाइम क्यों नहीं दौड़ रहा था आपके, जब अंधेरे में आप जा रहे हैं मरने के बाद वो क्यों नहीं आ रहा आपके पास। सर किसी को अगर बिजनेस में प्रॉब्लम हो वो कैसे सॉल्व करे आपके ऊपर? हाँ बिजनेस में प्रॉब्लम यदि आ रही है तो हम 10th लॉर्ड को सॉल्व करेंगे ठीक, परंतु वहाँ 10th हाउस 10वां घर हमें ठीक नहीं करना है, क्योंकि वो तो बिजनेस में प्रॉब्लम आई है ठीक है ना जी, और उसका 10 साल तक बिजनेस अच्छा चला या 5 साल अच्छा चला तब तो प्रॉब्लम नहीं, अब क्यों आई? इसका मतलब कोई ना कोई दशा विशेष करके अंतर दशा में प्रॉब्लम चली है,
अंतर दशा में, तो अंतर जैसे यहां नक्षत्र को प्रधान माना है, वहां पर भी जो अंतर दशा स्वामी है वो किसी घर में बैठा हुआ है, उस घर के अंदर पड़ा हुआ है, और उस घर के अंदर भी तीन नक्षत्र है, जिस तो वह कितने डिग्री पर है उस डिग्री से नक्षत्र देखें, तो उस नक्षत्र का उपाय करवाएं, नक्षत्र स्वामी का उपाय आप उससे करवाएं। अच्छा। सीधा प्लेसमेंट कुछ नहीं है वहां पर कि महादशा खराब हो गई, अंतरदशा खराब हुई, वह अंतरदशा स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में पड़ा है वो खराब घर ले रहा है, बिजनेस का आठवां घर ले गया, बारहवां घर ले गया, धोखे का घर ले गया, चीटिंग का घर ले गया, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम है, उसका उपाय करवाएं आप उससे, बीमारियों का कुछ आसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जो भी बीमारी आएगी, जैसे लीवर की बीमारी आती है, जुपिटर को ठीक करें आप अपने आप के, कब की बीमारी आती है जुपिटर को ठीक करें, नजला जुकाम खांसी रहता है जुपिटर को आप चंद्रमा को आप ठीक करें, वहां से आपके पास में अस्थमा शनि बिल्कुल बिगड़ता है, जबकि चंद्रमा का योग है वहां पर, चंद्रमा है तो जब आपके पास में अस्थमा आया तो शनि को ठीक करें आप अपने पास, वहां पर शनि बहुत सुधार हो जाएगा। कैंसर आया है, कैंसर का की प्लेनेट राहु है, की प्लेनेट राहु है, परंतु अकेला राहु कुछ नहीं करता उसे, क्योंकि ग्रोथ का कारक बृहस्पति है, उसे बृहस्पति चाहिए, अननेसेसरी ग्रोथ हो जाती है उस बॉडी पार्ट के अंदर, बृहस्पति चाहिए, और मैलिफिक प्लेनेट शनि है, तो इसलिए उनका उपाय ना कि सीधा राहु को पहले से ठीक रखना शुरू कर दें, तो आपके पास में, क्योंकि मैं ये पहले कह के चल रहा हूं, घटना की तय है, तारीख निश्चित है, टाइम निश्चित है, आयु निश्चित आदमी की, किस तारीख को कितने बजे जाना है तय है, ये निकालते हैं हम, खुलेआम निकलती है, ओपनली निकलती है आपके पास, तो कम से कम यदि लंबी उम्र है कष्ट से तो बचेगा, धीरे धीरे ठीक भी होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, एंड पीपल हु आर इन दिल्ली दे कैन कॉन्टैक्ट नरोली जी, इनके क्लासेस भी चलते हैं सर, द एरिया, ये एरिया का नाम क्या है सर? ये तो मोतीबाग है, मोतीबाग एरिया में इनके क्लासेस चलते हैं, सुबह से शाम तक क्लासेस चलते हैं, हमने आपके क्लासेस को रोका आज, आपके स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, एंड आई होप आप कभी बॉम्बे आइए और वहाँ पे हमें एस्ट्रो वास्तु या मेरे पास बॉम्बे में ठाणे से काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के इनविटेशन है, अहमदाबाद से हैं, बेंगलोर से हैं, मुझे पूरे भारत में जो कहते हैं हम ठीक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया जानती है, और जब आर्टिकल लिखता तो वो बाद में पढ़ते हैं लोग, उससे पहले मेरे से फ़ोन करके पूछना शुरू कर देते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट पर लिखा है, और लोगों ने यहाँ तक कहा है मेरे पास में, मेरे पुराने फोन में उनके मैसेज हैं, खत्म हो गया, उनको सेव करूँ शायद, मतलब चार्ज करूँ तो शायद मिल भी जाएगा, यहाँ तक आज का केपी हम आपको मानते हैं, मैंने उनको कहा इतना मुझे मत घसीटिए, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ इस तरह से। सर मैं विनती करना चाहूँगा आप एक सुपर किताब लिखिए सिस्टमैटिक, क्योंकि मेरे को ये भी पता चला है कि काफी लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स ने किताबें लिखी हुई हैं, मेरा फोटो दिया है उन्होंने, खूब दे रखा उन्होंने, यू नो, तो मैं सीरियसली चाहूंगा कि आप एक सिस्टमैटिक किताब लिखिए जो केपी को आसान बनाए, यू नो, थैंक यू सो मच, एंड आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम आपका नंबर नीचे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू ना, मुझे अब थी ना पहले थी, जो होगा तो ग्रहों से होता है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपके चाय।